हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू और उड़द दाल का पकौड़े बनाने जा रही हूँ। और उसके लिए मैं ये एक कप उड़द दाल ली हूँ, जिसे कि मैं अच्छी तरह से 6 से 7 घंटे पानी में भिगो दी हूँ और इसे अच्छे से साफ कर ली हूँ। और अब मिक्सी का जार लेना है और इसमें ये जो उड़द की दाल है उसे डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पीसना है। दाल पीस गया और अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये मैं 2 मीडियम साइज का आलू ली थी, जिसे कि कद्दूकस करके रखी थी, अच्छे से साफ करके इसे कद्दूकस कर लिया था, उसे फिर इसमें डाल देती हूँ। एक प्याज है जिसे कि मैं पहले से काट के रखी थी, उसे भी इसमें डाल दूंगी। 2 हरी मिर्ची है और ये अदरक है 1 इंच, जिसे कि मैं ऐसे कर दूं। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डालना है, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और थोड़ी सी धनिया पत्ता डालकर इसे मिक्स कर देना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब कढ़ाई को गर्म करना है और उसमें फ्राई करने के लिए तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया है और अब इसमें पकौड़े को डालते हैं। और आप इस मिक्सचर में चाहे तो 1 चुटकी हींग भी डाल सकते हैं, हींग का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। इसे पलटते हुए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखिए, हमारा पकौड़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है और अब इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए, हमारा आलू और उड़द दाल की पकौड़ा रेडी हो गया है और इसे हरी चटनी के साथ खाए तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।